सो फाइनली Xiaomi 13 सीरीज लॉन्च हो गई है और इस सीरीज के अंदर फिलहाल हमें दो स्मार्टफोन्स देखने को मिले हैं, Xiaomi 13 एंड 13 प्रो। एंड दीज स्मार्टफोन्स आर पैक्ड विद Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, अ 1 इंच कैमरा सेंसर, 120Hz AMOLED डिस्प्ले एंड मेनी मोर। सो वेलकम टू द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑफ Xiaomi 13 एंड 13 प्रो। बट अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले नीचे जो ब्लैक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दो ऐसे ही लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बॉक्सेस प्रीवियस जनरेशन की तरह स्टैंडर्ड वेरिएंट का व्हाइट मिलेगा एंड प्रो वेरिएंट का ब्लैक मिलेगा। बॉक्स के ऊपर Xiaomi 13 एंड 13 प्रो का लोगो मिल जाता है, साथ में को इंजीनियर्ड विद लाइका मेंशन करा गया है क्योंकि Xiaomi ने लाइका के साथ मिलकर इन फोन के कैमरास पे काम किया है। और जिन लोगों को नहीं पता, लाइका जर्मनी की एक फेमस कंपनी है जो की कैमराज, ऑप्टिकल लेंसेज, फोटोग्राफिक लेंसेज एंड राइफल स्कोप वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। रिटर्निंग टू अनबॉक्सिंग, सबसे पहले 13 प्रो को अनबॉक्स करते हैं। तो लेड हटाने के बाद सबसे पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाता है जिसमें सिम इजेक्टर पिन, एक ट्रांसपेरेंट केस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है। यह है हमारा मेन स्मार्टफोन। बॉक्स में बाकी एक 120 वाट पावर एडाप्टर और एक टाइप ए टू सी केबल मिल जाता है। तो यही सब एक्सेसरीज मिलता है Xiaomi 13 प्रो के बॉक्स में। Xiaomi 13 स्टैंडर्ड वर्जन का बॉक्स व्हाइट कलर में मिलता है, बाकी एक्सेसरीज सब 13 प्रो की तरह सेम मिलेगा। बस पावर एडाप्टर यहाँ पे एक 120 वाट की बजाय 67 वाट का मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ बोथ द फोन्स। सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi 13 की। तो फर्स्ट लुक में ये आपको iPhone 14 सीरीज की तरह लग सकता है। Xiaomi 13 में 6.63 इंचेस का सेंटर कंसोल फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है, तो इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा छोटा है कंपेयर टू 13 प्रो। एंड फोन के बेजल्स काफी पतले हैं एंड जो चिन है वो भी काफी पतली है जो कि फ्रंट से फोन को काफी प्रीमियम लुक देता है। ये फोन बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, साइड फ्लैट है और एज स्लाइटली कर्व दी गई है। साइड फ्रेम तो इसे दोनों ही फोन्स में मेटालिक मिल जाते हैं। फोन का वेट अराउंड 185 ग्राम्स है। अब फोन के बैक पे आ जाते हैं तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वीगन लेदर का यूज किया गया है, बट आपको ग्लास बैक वेरिएंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। Xiaomi 13 Pro की बात करें तो स्टैंडर्ड वेरिएंट से इसे बड़ा डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपको 6.73 इंचेस का फ्लैट नहीं बल्कि कर्व डिस्प्ले दिया गया है और इसका चिन्ह मुझे स्लाइटली बिगर लगा एज कम्पेयर टू Xiaomi 13, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ कर्व डिस्प्ले। साथ ही फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बैक एंड साइड फ्रेम्स इस फोन का कर्व मिलेगा और इस फोन के बैक पे लेदर की बजाय सिरामिक का यूज किया गया है जो कि डेफिनेटली फोन को एक प्रीमियम फील देता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको IP68 रेटिंग मिल जाएगी फॉर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। डिस्प्ले की बात करें तो Xiaomi 13 में 6.36 इंचेस की फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, वहीं 13 प्रो में 6.73 इंचेस की कर्व डिस्प्ले मिलेगी। दोनों के डिस्प्ले में 2K रेजोल्यूशन मिल जाता है जिसे आप सेटिंग्स में जाके एडजस्ट कर सकते हो 1080p और 2K पे। दोनों में ही सैमसंग का E6 AMOLED पैनल का यूज किया गया है जो कि 10 विट पैनल है और HDR10+ Dolby Vision एंड HLG फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 240Hz टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, बट Xiaomi 13 में वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है जबकि 13 प्रो में LTPO पैनल का यूज किया गया है जिससे कि रिफ्रेश रेट 1Hz टू 120Hz वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स जो कि पावर कंजम्पशन कम करता है। Xiaomi 13 एंड 13 प्रो में 1900 nits तक पीक ब्राइटनेस मिल जाता है जिससे आउटडोर यूजर्स में भी ब्राइटनेस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। Xiaomi 13 एंड 13 प्रो MIUI 14 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 13। बोथ द स्मार्टफोन्स आर पैक्ड विद Qualcomm's फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2। 8 Gen 2 Qualcomm का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है एंड 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने की वजह से काफी पावर एफिशिएंट भी है। 8 Gen 2 में 3.2 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिल जाता है एंड Adreno 740 GPU दिया गया है। Snapdragon 8 Gen 2 का Antutu स्कोर 12.5 मिलियंस के अराउंड आता है। साथ ही दोनों फोन्स में आपको LPDDR5X टाइप RAM एंड UFS 4.0 टाइप स्टोरेज मिल जाता है। Snapdragon 8 Gen 2 पैक्ड विद LPDDR5X टाइप RAM एंड UFS 4.0 टाइप स्टोरेज डेफिनेटली आपको फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देगा। साथ में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है फॉर बेटर थर्मल मैनेजमेंट। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। Xiaomi 13 में ट्रिपल रेड कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX800 सेंसर विद OIS, सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस विद 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, टर्शियरी 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है विद सपोर्ट 3.2x ऑप्टिकल जूम एंड 38x डिजिटल जूम। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जो कि अच्छी इमेज क्वालिटी दे देगा, बट सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग आप सिर्फ 1080p या 30fps तक ही कर पाओगे जो कि मुझे इसके सेल्फी कैमरा का एक डाउनग्रेड लगता है। 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देना चाहिए था लेकिन रियर कैमरा में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट रियर कैमरा में तो 8K या 24fps तक का ऑप्शन भी मिल जाता है। Xiaomi 13 Pro में भी ट्रिपल रेड कैमरा सेटअप दिया गया है 50+50+50 मेगापिक्सल का। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 989 सेंसर है जो कि 1 इंच का सेंसर है एंड हाई
हाइपर वाई इसके साथ में आता है। सेकेंडरी 50 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है विथ 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। टर्शियरी 50 मेगा पिक्सल का टेलीफोटो लेंस विथ सपोर्ट 3.2x ऑप्टिकल जूम एंड 70x डिजिटल जूम। बट एज ए फ्लैगशिप फोन पेरिस्कोप लेंस मिल जाता तो ज्यादा बेहतर होता। Xiaomi 13 Pro में भी 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जो की अच्छी इमेज क्वालिटी देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसका रेयर कैमरा सपोर्ट करता है अप टू 4K एट 60fps एंड 8K एट 24fps। फ्रंट कैमरा में 4K एट 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों ही फोन्स में अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाता है स्पेशली 13 प्रो में। साथ ही इनके कैमराज में आपको लाइका का ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है। Xiaomi 13 में 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड 13 प्रो में 4820 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। प्रो मॉडल में स्टैंडर्ड वेरिएंट से ज्यादा बैटरी मिल जाती है, साथ में चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको सर्ज G1 चार्जिंग प्रोटेक्शन चिप मिल जाती है, साथ में 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग और 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। मेरे ख्याल से फ्लैगशिप फोन के तौर पे कम से कम Xiaomi 13 Pro में तो अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए था। बट एनीवेज बेसिक सभी सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे इंक्लूडिंग IR ब्लास्टर। डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा जिसमें आप SD कार्ड यूज नहीं कर पाओगे। 3.5mm जैक नहीं दिया गया है। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है, साथ ही NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। X-axis लीनियर वाइब्रेशन मोटर दिया गया है। स्पीकर्स की बात करें तो आपको इनमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा विथ Dolby Atmos सपोर्ट। टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ बोथ द फोन्स, Xiaomi 13 का बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB चाइना में 3999 चाइनीज युआन में लॉन्च हुआ है जो कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स 47,500 रुपीज होते हैं। Xiaomi 13 Pro का बेस वेरिएंट 4999 चाइनीज युआन में लॉन्च हुआ है जो कि इंडियन रुपीज में अप्रॉक्स 59,000 रुपीज होते हैं। सो ओवरऑल Xiaomi 13 एंड 13 Pro में डिस्प्ले सुपर मिल जाता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल जाता है, कैमरा भी अच्छा है। अब देखना ये Xiaomi इंडिया में से किस प्राइस पे लॉन्च करता है। और आपका क्या ख्याल है इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back.